आज की ताजा खबर, फिर से हुई एक लड़की की MMS वायरल। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकती नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगी सोनिया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख और वीडियो वायरल करने वाला और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड ही था। मैं सुनूंगी सोनिया, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी सारे राज। लड़की को प्यार करना पड़ गया है भारी, और उसकी बॉयफ्रेंड ने करी उसके साथ गद्दारी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। सावधान लड़की, किसी पर आग बन करके भरोसा मत करो। इसी के साथ हमारी रिपोर्ट यही समाप्त होती है। धन्यवाद। मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगी। साथ तेरे रहना 24 घंटे, मैं रहना 24 घंटे। मैं आँखों से यार किससे पूछूं क्लासरूम कहाँ है। हाय, मेरी बाहों में आके तू। ये मुझे ऐसे देख क्या रही है, किससे पूछ लेती हूँ क्लासरूम कहाँ। वो पूछ रही थी कि अरे सुनो, हेलो, शिट, इसने तो बताया नहीं, मुझे देख के भाग क्यों गई। मैं आंखों से चुरा लूं जाना तेरे जो भी गम थे। क्या हुआ रिया? मिमिता, कॉलेज में एक लड़की आई है। तो वो लड़की सुंदर है, मुझसे भी ज्यादा। हाँ, कहाँ है वो लड़की? रिया, कहाँ है वो लड़की? मिमिता, वो देख। हाय, माय नेम इज जाकी, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। इट्स ओके। वैसे मुझे ना क्लासरूम जाना था, आप बता सकते हो क्लासरूम कहाँ है? आप गूंगे हो क्या? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं मजाक कर रही थी। वैसे ऐसे घूर के क्या देख रहे हो, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। पहले मुझे लड़के देखते थे, अब तो लड़कियाँ भी देख रही है। ठीक है, कोई बात ही नहीं कर रही, चलती हूँ। बिना गलती के तुम मुझ पे हाथ उठाने जा रही हो? मैंने किया ही क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे इतना गुस्सा किस बात का। अब तुझे कैसे बताए तेरी गलती क्या है, तू मीमी से भी ज्यादा सुंदर है, ये बात मीमी को हजम नहीं हो रही है। तू सोच रही है कि तू बहुत सुंदर है ना? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर तू बोल रही है तो आज से मान लेती हूँ। तुमने मीमी को तू बोला? हाँ, मेरा एक ही वसूल है, इज्जत दो इज्जत मिलेगी तेरी तो। ना ना ना, ऐसी गलती मत करना, अच्छी शक्ल के साथ गर्म खोपड़ी भी है, चलती हूँ। मीमिता क्या लड़की है, एक नंबर की बदतमीज। रिया, पता लगा कि ये लड़की है कौन। काम हो जाएगा, मुझे जानना है इस लड़की के बारे में। शिट, इस बाइक को अभी खराब होना था, अब मैं कॉलेज कैसे जाऊं इतना दूर, किसी लिफ्ट मांगना होगा। एक्सक्यूज मी, थोड़ा लिफ्ट दोगे, मेरा बाइक खराब हो गया है। आपको जाना कहाँ है? मुझे डीपलैंड जाना है, डीपलैंड कॉलेज में पढ़ता हूँ। अरे मैं भी तो वहीं पढ़ती हूँ। आप भी उस कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ। तब तो ठीक है, पर मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। क्योंकि मैं कल से ही कॉलेज जा रही हूँ। चलिए बैठिए। मैं पीछे बैठूँ? हाँ, क्यों? आपको भी ये लगता है कि हम लड़कियाँ ड्राइविंग अच्छी नहीं करते? लगती नहीं, ये सच है। पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेरी गाड़ी में बैठनी होगी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं देता। ओ हेलो मिस्टर, चलिए बैठे आराम से।
10 के ऊपर नहीं, ठीक है? आप चलो तो। तुम फिर भी गाड़ी चला लेते हो ना? हाँ। कब से चला रहे हो? जब से तुम पैदा नहीं होंगे शायद। सॉरी, ये जोक था। आई डोंट लाइक जोक। आई डोंट लाइक यू। चले। हाँ चले। बुलबुल, तूने राहुल को कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो अपनी मंगेतर की यादें आ रही है। मंगेतर है तो याद तो आएगा ही। चल गेट की तरफ चलते हैं। थैंक यू मुझे लिफ्ट देने के लिए। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। किसी दिन मुझे लिफ्ट की जरूरत होगी ना, फिर आप मुझे लिफ्ट दे देना। ओके? बिल्कुल। ये लड़की राहुल के साथ, अब तो ये लड़की गई। ओके, मैं चलता हूँ। नाइस टू मीट यू। वो लड़की राहुल के करीब कैसे जा सकती है? निमिता, गुस्से कंट्रोल कर। वो इतना नहीं आता मुझसे। कैसे जा सकती है वो? कैसे जा सकती है? निमिता देख, तू जैसा सोच रही है वैसे मत कर। निमिता, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? राहुल, हेलो राहुल, जल्दी लाइब्रेरी के छत पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। निमिता, अभी भी दर्द हो रहा है? राहुल, तुमने पट्टी कर दिया है ना, तो अभी दर्द नहीं हो रहा है। राहुल, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? हाँ, पर ऐसा क्यों पूछ रहे? तुम मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की से बात करते हो? नहीं मिमिता, मैं किसी भी लड़की से बात नहीं करता। झूठ। और तुम्हारे हाथ कैसे कटा? वो बुलबुल के बैग में ब्लेड था तो। क्यों बुलबुल? बुलबुल बैग में ऐसे ब्लेड नहीं रखा करते। देखो आज तुम्हारी वजह से मिमिता का कितना हाथ कट गया। हाँ, मेरे ही वजह से हाथ कटा। ठीक है, तो फिर तुम दोनों बैठो, मैं क्लास में आता हूँ। अपना ध्यान रखना। बुलबुल, ये रिया कहाँ है? इसको मैंने काम दिया था, एक काम भी वो ढंग से नहीं करती है। मैंने उसको बोला था कि उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए। ये रिया है कहाँ? मिमिता, मैं यहाँ हूँ। तुझे मैंने एक काम दिया था, हुआ? हाँ, हो गया ना। तो पता, उसका नाम राखी है, वो भालोवासा मोड़ में रहती है और उसका डांसिंग और एक्टिंग में बहुत शौक है। और रिलेशन स्टेटस? अभी तक सिंगल है। ठीक है, चलो। मिमिता, हम जा कर रहे उस लड़की को मारने। रिया, बुलबुल, पकड़ से। हाँ? अरे तुम लोग मुझे पकड़ क्यों रहे हो? छोड़ो मुझे। तुमने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा मुझे? मेरे मंगेतर से दूर रहना। कौन मंगेतर? किस मंगेतर की बात कर रही है? राहुल। कौन राहुल? जिसके साथ तू सुबह कॉलेज आई थी, वो मेरा मंगेतर है। तो मेरे मंगेतर से दूर रहना। मेरे मंगेतर की कोई करीब आए, ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। मैं तेरे मंगेतर के करीब जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। और जाना भी मत, वरना चलो तुम दोनों। तुझे क्या लगा मैं तेरे बॉयफ्रेंड को पटा लूंगी? यही सोच रही है ना? तो तू सही सोच रही है। जा, अब तेरी उस मंगेतर को मैं पटा के रहूंगी। तुझे जो करना है तू कर। पकड़ के रख इसे, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो ये खड़े नहीं रह पाएगी। मिमिता, ये लड़की तो बोल रही है राहुल को पटा। अब क्या करेगी मिमिता? मिमिता से जो पंगा लेती है वो बहुत पछताती है। उस मिमिता ने ना मुझ पे हाथ उठा के सही नहीं किया। जी तो करे साली के जाके मुंह तोड़ दूं, पर क्या करूं, कीचड़ में पत्थर नहीं मारती मैं। और वैसे भी
वो उसके मंगेतर से बहुत प्यार करती है, शायद इसीलिए पॉजिटिव है। खैर लगता है घर जाना होगा, इतना बोरिंग है यहाँ पे। चल राखी घर ही चलते हैं। पर एक बात तो समझ आ गई, ये कॉलेज में अगर दोस्त ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता। वैसे भी सारा मज़ा तो दोस्तों से ही है, काश मेरी भी कोई दोस्त होती। ओ मिमिता जल्दी कर, नहीं तो कोई आ जाएगा। हाँ बस सो ही गया। हो गया इसका गाड़ी का ब्रेक फेल। मिमिता गाड़ी का ब्रेक फेल तो कर दिया, वो लड़की मर गई तो? यही तो मैं चाहती हूँ, उस लड़की को मेरे रास्ते से हटाना। क्या बोल रही थी वो, मेरे मंगेतर को पटाएगी? अब पटाना ऊपर जाके। चलो यहाँ से। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकती नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगी सोनिया। मैं तेरे होठों पे ओह शिट। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, हे हेलो। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी। डॉक्टर साहब इन्हें कब तक होश आ जाएगा? घबराने वाली कोई बात नहीं अनिल, छोटी मोटी चोट थी, मैंने पट्टी कर दिया, जल्दी हो जाएगा। ठीक है अभी मैं चलता हूँ अनिल। ओके सर। अरे अरे तुम उठो ना, रेस्ट करो। मैं कहाँ हूँ? तुम अभी मेरे घर में हो। मैं यहाँ कैसे आई? तुम रास्ते में गिरी हुई थी इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर पे लेके आया। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ वो अचानक से, मैं कॉलेज से घर आ रही थी, अचानक गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगा। मेरी गाड़ी कहाँ है? अरे अरे टेंशन मत करो, तुम्हारा गाड़ी अभी गैरेज में है, तुम्हारा ब्रेक फेल हो गया था गाड़ी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद करी, वरना आज के ज़माने में तो अपने भी मदद नहीं करते, और आप तो पराए होकर भी मेरी मदद कर रहे हो, थैंक यू। अरे थैंक यू मत बोलो, तुम्हारी तरह मेरी भी एक बहन, मैं तो सिर्फ एक भाई होने का हौसला नहीं बढ़ा था। काश आपकी तरह सोच हर लड़के का होता तो आज हम लड़कियाँ कितने सेफ रहते। तो मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। आप चाहे तो आज रह भी सकते हैं। नहीं नहीं घर जाना होगा, सब चिंता करेंगे ना। ठीक है मुझे चलना चाहिए। ये कौन है? ये मेरी बहन है। हाय। कोई फायदा नहीं है, मेरी बहन पैरालाइज है। पैरालाइज? हाँ। बचपन से पैरालाइज है? नहीं ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँ। अच्छा ठीक है भाई अभी मैं चलती हूँ। आपकी बहन ने पल की झपकाई? नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी बहन कभी ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर ने बोल दिया है ये कभी नहीं ठीक हो सकती। I'm sorry, मुझसे ही गलती हो गई होगी, अभी मैं चलती हूँ। जाने ना दूंगी मैं तुझको, अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के। ये जिंदा है कैसे? बुलबुल जल्दी जल्दी ये बात मिमी तक बतानी होगी। ओ मिमिता तुझे पता है राखी जिंदा है? कॉलेज आइए। क्या? हाँ वो जिंदा कैसे? उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल करने के बाद भी वो कैसे जिंदा हो सकती है? पता नहीं। तूने उसका गाड़ी का ब्रेक फेल अच्छे से तो किया था ना? हाँ तेरे सामने तो किया था ना, लेकिन अब क्या होगा? वही होगा जो सिमी के साथ हुआ था,